क्वेश्चन नंबर 8, Rx बी द रिंग ऑफ रियल पॉलिनोमियल्स इन द इंटरवल इन द वेरिएबल x, द नंबर ऑफ आइडियल्स इन द कोशेंट रिंग Rx बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज क्या है, चलिए देखते हैं। देखो ये हमें कोशेंट रिंग दिया गया है, ये जो कोशेंट रिंग दिया गया है इसका आइडियल कितना होगा। देखो दिस इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं Rx तो Rx ही है, एंड देखो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं x square माइनस x माइनस 2x प्लस 2, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इक्वल्स टू, यहाँ से x कॉमन ले लो तो आएगा क्या, x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन ले लो आएगा 2x माइनस 1, तो यहाँ से x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो देखो अब देखो अब एक चीज़ देखो, जो r है ये आइसोमॉर्फिक होता है r2 के साथ, ठीक है। तो r2 क्या है, r क्रॉस r, ठीक है। तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Rx क्रॉस Rx, तो दिस बाय हम इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 1 एंड x माइनस 2, ठीक है। अच्छा ये Rx जो है वो रियल पॉलिनोमियल है, तो जो ये जो x है वो रियल से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये जो Rx बाय दिस है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू R ही होगा, ठीक है। एंड ये भी R ही होगा, तो R क्रॉस R आएगा। तो अच्छा R में आइडियल क्या क्या होता है, एक होता है जीरो एंड होता है, दूसरा होता है R खुद ही होता है, ठीक है। तो इसमें आइडियल क्या क्या होगा, यहाँ पर आइडियल होगा जीरो क्रॉस R, ये एक होगा, एंड सबसे पहले तो होगा जीरो कॉस जीरो, ठीक है। दूसरा होगा ये, एंड तीसरा जो होगा वो होगा आर क्रॉस जीरो, ठीक है। एंड चौथा जो होगा वो होगा आर क्रॉस आर। तो नंबर ऑफ आइडियल क्या क्या है, ये चार है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। 29 में दिया गया है S एक कम्यूटेटिव रिंग है, एंड एम ए इक्वल्स टू दिया गया है, एम ए को हमें आइडियल दिखाना है एंड मैक्सिमम आइडियल दिखाना है। देखो एम ए इक्वल्स टू ये दिया गया है हमें, एम ए को अगर मैक्सिमम आइडियल है इसका मतलब ये तो आइडियल भी है, तो अलग से आइडियल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी मैं आपको सिर्फ आइडियल दिखा देता हूँ। मान लो F एंड G ये दो एलिमेंट है जो एम ए में बिलोंग कर रहा है, दो फंक्शन है ये, तो अगर ये बिलोंग कर रहा है तो एफ ए इक्वल्स टू जीरो एंड जी ए इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। तो आइडियल दिखाने के लिए हमें एफ माइनस जी चाहिए, एफ ए माइनस जी ए इक्वल्स टू जीरो माइनस जीरो इक्वल्स टू जीरो, एंड एफ एंड मान लो एफ एच जो है एच बिलोंग्स टू एस है, ठीक है, एंड एफ बिलोंग्स टू एम ए है। अच्छा तो एफ एच जो होगा एफ ए इंटू एच ए इक्वल्स टू एफ ए, तो दिस इक्वल्स टू एफ बिलोंग्स टू एम ए, तो दिस इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। एंड एच एफ ए इक्वल्स टू होगा एच ए इंटू एफ ए, तो एफ बिलोंग्स टू एम ए, तो दिस इक्वल्स टू जीरो होगा, तो इसका मतलब एम ए जो है वो एस का आइडियल हो गया है, ठीक है। अभी हम एम ए को मैक्सिमल आइडियल दिखाएंगे, ठीक है। तो एक फंक्शन लेते हैं फाई जो एस टू आर है, रियल नंबर, ठीक है। अच्छा तो पहले हम दिखाएंगे फाई होमोमोर्फिज्म है, ठीक है। अच्छा फाई क्या है, तो फाई
एफ है, एफ एक्स मान लो, ठीक है। फाई को पहले होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे, तो फाई एफ प्लस जी इक्वल्स टू एफ प्लस जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल्स टू फाई एफ प्लस फाई जी। तो फाई एफ डॉट जी क्या होगा, एफ डॉट जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स डॉट जी एक्स इक्वल्स टू फाई एफ डॉट फाई जी। तो इसका मतलब फाई इज होमोमोर्फिज्म, ठीक है। तो ये फाई होमोमोर्फिज्म हो गया है। अभी दिखाना है फाई क्या ऑन टू होगा। देखो देखो एफ एक्स क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई ले लो, ये आर पे बिलोंग करेगा, ठीक है, आर में बिलोंग करेगा, ठीक है। एंड एंड एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है फाई एफ। देखो सभी वाई के लिए यहाँ पर प्री इमेज हमें मिलेगा, ठीक है, एस पे हमें प्री इमेज मिलेगा। तो ये जो फाई है वो ऑन टू भी है, ठीक है। तो इसका मतलब एस बाई कार्नल एफ जो होगा, कार्नल फाई वो आइसोमॉर्फिक होगा आर का। कार्नल फाई क्या है, वो है यहाँ पर कार्नल फाई होगा एफ जो एस में बिलोंग कर रहा है, सच दैट फाई एफ इक्वल्स टू जीरो। एंड फाई एफ क्या है, एफ ए इक्वल्स टू जीरो। एक काम करो यहाँ पर एक्स ना लेकर ए ले लो, ठीक है, सभी जगह ए ले लो। तो दिस इक्वल्स टू क्या है, एम ए है। तो एस बाई एम ए इज आइसोमॉर्फिक टू आर। अब देखो ये एक फील्ड है, अगर ये एक फील्ड है तो इसका मतलब एम ए जो है वो मैक्सिमल आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल है एस का,